good afternoon. And congratulations. Thank you. हिंदी में अनुवाद करें तो बधाई हो. बधाई हो सब आपको भी सबको. लोगों ने फिल्म को पसंद किया तो कनेक्शन भी जो अपन ने उसे बात की थी उसके साथ से निकल गए. खुशी महसूस होती है, कॉन्फिडेंट है आप, सैटिस्फाइड? सर सैटिस्फैक्शन की तो कोई सीमा है नहीं. जब सैटिस्फाइड हो जाएंगे तो कोई सीमा नहीं है एक्चुअली सैटिस्फैक्शन की फ्रैंकली. तो सैटिस्फैक्शन है क्योंकि लोगों को पसंद आ रही है फिल्म और लोग जा रहे हैं, जाके भर भर के जा रहे हैं सिनेमा हॉल के अंदर और जगह जगह से फ़ोन आ रहे हैं कि दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं यार इतनी खुशी कभी नहीं हुई जब हम लोग को सिनेमा हॉल गए और टिकट नहीं मिली. लेकिन अभी ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि पिक्चर इतनी ज़्यादा हाउसफुल चल रही है तो बहुत मज़ा आ रहा है. मैं बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा क्रेडिट मेरे राइटर्स को मिलना चाहिए क्योंकि इन्होंने जिस तरह से लिखा है बहुत खूबसूरती से लिखा है. एक एक कैरेक्टर अपने लाइफ से ही लिया है और बहुत रिलेटेबल कैरेक्टर्स हैं तो डेफिनेटली पहला क्रेडिट इन दोनों को ही जाता है. थैंक यू. शांतनु अक्षर ये इस पूरी कहानी के पीछे जो जो शुरुआत थी कैसे आया ये सब अक्षत ज़्यादा बताए क्योंकि अक्षत का ये आइडिया था इनिशियली. सर असल में मेरी मौसी मुझसे सिर्फ 10 साल बड़ी है तो माय मॉम वाज 18 व्हेन शी वाज बोर्न. तो ये आइडिया कहीं एट द बैक ऑफ द माइंड था कि इस पे शायद कहानी बन सकती है. मैं और शांतनु छोटे मोटे फॉर्म में इस चीज़ को डिस्कस करते रहते थे पर मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ तो मैं शांतनु के साथ ही रहता था. तो मैंने शांतनु को बोला कि यार ये एक आइडिया है तो उसने कहा यार इसमें मुझे लग रहा है कि कुछ बात है और इस तरीके की फिल्में बनती भी हैं आजकल. तो शांतनु हैड रिटन तेवर फॉर अमित. तो शांतनु अमित के पास लेके गए आइडिया, अमित को पसंद आया, फिर मतलब गाड़ी आगे बढ़ गई उसके बाद से. शांतनु आप कैसे बढ़ाई आगे गाड़ी? मैं और अक्षत एक दूसरे के बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं. और अक्षत जब हम लोगों की बहुत टाइम से ये कोशिश थी कि साथ कुछ लिखें और जब हम दोनों के बीच में अक्षत जो है इज़ द न्यू आइडिया गाय, मतलब जो नए अतरंगी आइडियाज़ जो आते हैं वो अक्षत. धन्यवाद धन्यवाद. तो अक्षत तो आते हैं तो जब अक्षत बम्बई आया उसने इस आइडिया के बारे में बात की तो मुझे लगा कि क्योंकि वक्त ऐसा आ गया है कि ऐसी फिल्मों की एक्सेप्टेंस है तो हम लोगों ने फिर एक दुनिया खड़ी करनी शुरू की अपनी ज़िंदगी में जो लोग थे उन पे बेस करके कुछ कैरेक्टर्स खड़े करने शुरू किए और फिर ये एक दुनिया बनती गई. और जब हमको लगा कि एक अच्छी प्यारी कहानी बन रही जो कि सुनाने लायक है फिर हम अमित के पास ये कहानी लेके गए. और एक जब दुनिया तैयार हो गई उसके बाद अक्षत ने वो स्टोरी ली हम लोगों ने जो क्रिएट की थी और उसके बाद अगले 2-2.5 साल तक उसने उस पर मेहनत मशक्कत की. एक एक सीन 3-3, 4-4 बार लिखा, बहुत सारे ड्राफ्ट्स हुए और वो सब जो है वो लंबा प्रोसेस जो है वो अक्षत ने पूरा किया. मतलब फिल्म बनती ऐसे है कि क्या कहते हैं आप जाते हो अमित को आइडिया पसंद आया तो हमको भी कॉन्फिडेंस आया कि क्या कहते हैं ये पिक्चर बन सकती है. फिर जंगली गॉट इन्वॉल्व तो एक लेवल पे और कॉन्फिडेंस आ गया आपको कि क्या कहते हैं हाँ चलो ठीक है, प्रोड्यूसर भी आ गए, डायरेक्टर हमारे साथ हैं तो फिल्म बन सकती है. तो मतलब बस फिर उसके बाद जैसे चीज़ें इफ़ दे हैव टू हैपन दे हैपन. मतलब फिल्म कम्स विद इट्स ओन लक. आई थिंक दैट्स हाउ इट हैपन कि हो गया फिर मतलब सबको अच्छा लगा. ये हमारी भी खुशकिस्मती है कि सबको अच्छा लगा. और एक्चुअली बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था क्योंकि अक्षत और मेरा जो बैकग्राउंड है वो एडवर्टाइजिंग का है. तो मैं एड फिल्म डायरेक्टर हूँ, ये एड फिल्म राइटर एक एजेंसी के अंदर क्रिएटिव डायरेक्टर थे. तो और हम लोग को मज़ा आता है जब आइडिया बेस्ड कहानियों के ऊपर हम फिल्म बनाते हैं एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर. तो ये एक आइडिया बेस्ड फिल्म है जिसके अंदर 51-year-old मदर गेटिंग प्रेगनेंट वो तो सब ने देख ही लिया अब तक. तो जब ये वन लाइन आइडिया सुनाया शांतनु ने आके मेरे को, अक्षत ने आके जब सुनाया ये चीज़ की क्या होगा अगर 51 साल की माँ अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो क्या होगा उनकी फैमिली के साथ में, क्या होगा उनके बच्चों का रिएक्शन, क्या होगा उनके हस्बैंड का, दादी का, सबका रिएक्शन क्या होगा, क्या
तो मैं तो आई जम्प्ड ऑन दी आइडिया स्ट्रेट अवे. आई सेड कि ये फीचर फिल्म का आइडिया है और सही सोच रहे हो, आगे बढ़ा दो इसको. और क्योंकि राइटर्स जो होते हैं जनरली आलसी होते हैं तो बड़ा धक्का मारना पड़ा मुझे इन दोनों को कि भाई लिखो लिखो लिखो. क्योंकि अक्षय ऑलरेडी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम कर रहा था तो बहुत रेगुलर बेसिस पर मिलना नहीं हो पा रहा था. तो एक दिन हमारी बात हुई जिसके अंदर मैंने बोला, इसने खुद भी बोला कि सर ऐसे होगा नहीं, मुझे लगता है नौकरी छोड़नी पड़ेगी. तो इसने नौकरी त्याग दी और पूरी तरह से फिल्म के अंदर घुस गया. और शांतनु भी इस बात पर सहमत हुआ कि यार तू तेरा घर कैसे चलेगा, अब देख ले तेरे को, अब तो उसमें जान डालनी पड़ेगी. तो उस तरह से ये हुआ. और आइडिया बेस्ड फिल्म्स जब बनती हैं तो लोगों को ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ये हमने देख लिया, अब तो प्रूव हो चुका है. हमने एक्चुअली किसी भी एक्टर को दिमाग में रखते हुए ये कहानी नहीं लिखी, कोई भी कैरेक्टर नहीं लिखा. क्योंकि फिर आप बंद जाते हैं बहुत ज़्यादा कि अच्छा ये इस तरह से ही परफॉर्म करेंगे, इसको इस तरह से ही परफॉर्म किया जाएगा. तो पहले उसको लिखा हम लोगों ने पूरी तरह से और उसके बाद में अप्रोच किया एक्टर्स को. और जहाँ पर एक्टर्स की बात आती है वो राइटिंग के बाद ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि फिर आप बंधते नहीं हैं उससे, यू नो, आप और ज़्यादा खुल के लिखते हैं और फिर उन कैरेक्टर्स को उस चीज़ के अंदर ढालते हैं कि यू नो ये आपको, ये नीना गुप्ता जी आपको प्रेमवदा का रोल करना है. तो ऐसा बहुत बार ही होता था शूटिंग पे जहाँ पे नीना जी को मैं बोलता था आप नीना गुप्ता नहीं हैं, आप प्रेमवदा हैं, प्रेमवदा. तो वो हंसती थी इस बात पे काफ़ी. और इस तरह से हुआ ये. सर आयुष्मान को लेने की कोई खास वजह है या फिर आयुष्मान को लेने की कोई खास वजह है या फिर कॉमिक पार्ट ज्यादा था मूवी में था इसलिए आपको डायरेक्ट? सी, एक ऐसे एक्टर चाहिए थे हमारे को जो एक तो खूब बहुत ही कमाल के एक्टर हो, दूसरा रिलेटेबल हो, तीसरा ये था कि मतलब जो उसको उस कैरेक्टर अपने लाइफ से बाहर निकल के नकुल का जो रोल प्ले कर सके, हमको वो चाहिए था. और वो आयुष्मान के अंदर वो सब चीज़ें हैं. उन्होंने हर बारी प्रूव किया है, शुभमंगल सावधान हो गई या विकी डोनर हो गई, उनकी जो भी पुरानी फिल्में हैं, बरेली की बर्फी हो गई, उसमें उन्होंने वो चीज़ हर बारी अपने आप को प्रूव किया कि वो विकी हैं, विकी डोनर के. और हमको चाहिए था वो आयुष्मान नहीं रह के नकुल बन जाए. तो इसलिए हम सब उनको सेट पर भी नकुल ही बुलाते थे, स्पेशली मैं तो उसको नकुल ही बुलाता था, नकुल. और वो रिस्पॉन्ड भी करते थे उस चीज़ को. और जब आप कैरेक्टर लिखते हैं तो आपको हमेशा कहीं ना कहीं अपने खुद की फैमिली से कुछ चीज़ें उठानी पड़ती हैं. जैसे कि अक्षत ने बोला कि उनके घर की खुद की कहानी है कि उनकी जो मदर हैं, जब वो 18 साल की थी तब उनकी छोटी बहन पैदा हुई. और जब ये मैंने वन लाइन आइडिया सुना तो मुझको भी याद आया कि मेरी दादी और मेरी दादी की मदर सेम टाइम पर प्रेगनेंट थी. इनफैक्ट 2 महीने का डिफरेंस है मेरे ताऊजी में और मेरे ताऊजी के मामा में, और मेरे ताऊजी ज़्यादा बड़े हैं. तो मेरी दादी ने पहले डिलीवर किया बच्चा, उनकी मदर ने 2 महीने के बाद किया. तो जब ऐसी चीज़ें आती हैं और आप अपनी लाइफ से चीज़ें निकालते हैं, और क्योंकि अक्षत, शांतनु और मैं तीनों ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमको मालूम है कि मिडिल क्लास फैमिलीज के वैल्यूज़ क्या होते हैं, उनको किस तरह से पापा से नकुल किस तरह से बात करेगा या मम्मी से उसका किस तरह का रिलेशन है, वो शायद हमने सभी ने वो फील किया था. और वही अक्षत और शांतनु ने इस चीज़ को पेपर पे उतारा और हमारे काफ़ी डिस्कशंस होते थे कि नहीं एक वर्क कर रहा है, ये वर्क नहीं कर रहा. तो एक साझेदारी इस तरह से बनी कि मतलब वो होता ना कि रनर होता है और एक बैट्समैन होता है, आप रन आउट हो जाते हैं अगर वो सही चीज़ नहीं होती है. तो हम बीच बीच में रन आउट भी हुए क्योंकि कई सीन ऐसे थे कि जो मेरे को पसंद नहीं आए, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही मेरे को फोर्स किया, नहीं आप समझो इस चीज़ को ऐसे, हम इस तरह से देख रहे हैं. फिर मैंने बोला नहीं मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ. तो वैसे करके एक पहला जब ड्राफ्ट लिखा था अक्षत ने तो वो 156 पेज का था. तो मैं डर गया, मैंने कहा यार 156 पेज का कैसे होगा भाई. तो करके करके 93 पेज के ऊपर उसको ला के पेपर को उतार दिया. सर बहुत ही अच्छी मूवी है जिसे सभी देख चुके हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे सभी के सामने हैं. कहीं ना कहीं इस पूरी जर्नी में कोई ऐसा चैलेंजिंग पार्ट आपकी रहा जो आप शेयर करना चाहते हैं? चैलेंजिंग पार्ट तो पहले ये बताएंगे इन्होंने जिन्होंने लिखी है कि तुमको क्या चैलेंजिंग है, फिर उसके बाद मैं कहानी को बताऊंगा. चैलेंजिंग तो मतलब मज़ा आ रहा था फिल्म लिखते हुए. चैलेंजिंग ये लगा हमको तो पहले सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि बनेगी कि नहीं बनेगी. सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है क्योंकि आप सोचते हो कि क्या कहते हैं आइडिया आपके पास अच्छा है, हर आदमी को लगता है कि उसके पास जो आइडिया है वो अच्छा है,
तो हम लोग तो यही डिस्कस करते रहते थे। तो जब शांतनु ने मेरे को एक कॉन्फिडेंस दिया कि यार मुझे लगता है ये आइडिया में वो है, इट्स गॉट लेग्स, तो मुझे लगा कि हाँ भाई चलो ठीक है, मतलब इसको हम बढ़ा सकते। फिर हम लोग इस पे कैरेक्टर्स को हम लोगों ने डेवलप करा, स्टोरी को डेवलप करा कि किस तरीके से कहानी आगे जाएगी। हर कैरेक्टर को लिखने का एक अपना एक चैलेंज होता ही है जो कि हाँ, लेकिन इस प्रोसेस में हम लोगों को ये फ़ायदा ज़रूर रहा कि जितने भी लोग हैं फिल्म में, चाहे वो रेने हो, चाहे वो गजराज जी का कैरेक्टर हो, वो सब लोग जो है हम लोगों ने किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी तरीके से अपनी लाइफ में देखे ही। गूलर का कैरेक्टर लिखने में काफ़ी हम लोगों को मज़ा आया, वो जो थोड़े से मुँहफट लड़के होते हैं घर का, जो छोटा बच्चा होता है, उस कैरेक्टर में लिखने में बहुत मज़ा आया। दादी जैसे बता रहे हैं तो अक्षत की जो नानी है वो भी एकदम नो फिल्टर नानी है, पर मतलब वो इतनी ज्यादा नहीं है, वो मतलब दिस दादी इज ऑन स्टेरॉइड्स, माय नानी इज ऑन स्टेरॉइड्स, बट मेरी दादी एक्चुअली वाज ऑन स्टेरॉइड्स। मेरे हर वक्त इस तरह से ही रहती थी, उनको लगता था कि उन्होंने एक ग्लूकोज का इंजेक्शन ले लिया और वो ऑन हो चुकी है। मेरे दोस्त नवदीप, उसकी जो दादी है वो सेम औरत है, बट वही रिलेटेबल कैरेक्टर्स। हमको लगा कि ये मतलब अगर आपको ये कहानी कहनी है तो आपको ऐसे कैरेक्टर्स ही दिखाने पड़ेंगे जो कि रिलेटेबल हो, जो आपने देखे हुए हैं कहीं पे, इस मतलब फिल्मी ना लगे बहुत ज़्यादा। अब उसमें हम कितने सफल हुए नहीं हुए वो हमको नहीं पता, वो तो आप ही बताएंगे। मतलब मेरा एक दोस्त है जो बेल्जियम में रहता है, उसने मेरे को कल मैसेज किया कि अमित जो दादी है वो देख कर बीजी की याद आ गई। तो उसने क्योंकि बचपन से ही देखा है बीजी को, मेरी दादी को, आई यूज़ टू कॉल हर बीजी। सो इनफैक्ट चैलेंज एक आया था बीच में, जो जब हम लोगों ने जब 8-9 महीने हो गए थे हमको लिखते हुए इस चीज़ को, और मैं कहीं किसी जगह पे था तो मुझे एक शख्स ने आके बोला कि यार यू नो व्हाट, यू शुड मीट प्रीति, क्योंकि वो भी एक आइडिया पे काम कर रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडिया है वो। तो मैंने कहा वन लाइन आइडिया बताओ, तो उन्होंने बोला वन लाइन आइडिया इज़ फिर 50 मतलब बड़ी उम्र की जो माँ है वो प्रेगनेंट हो जाती है। मैंने क्या बात कर रहा है, मैं तो सेम आइडिया पे काम कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, करीब 8-9 महीने हो चुके हमको लिखते हुए। तो उसने बोला नहीं फिर तो आपको प्रीति से मिलना चाहिए। सो प्रीति आई मेरे ऑफिस, उन्होंने बोला कि आई हर्ड कि आप सेम आइडिया पे काम कर रहे हैं, तो मेरे पास जो स्क्रिप्ट है वो आप पढ़ना चाहेंगे। तो मैंने बोला कि आप इतनी सरल तरीके से मेरे को बोल रही हैं पढ़ने के लिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पढ़ लूँगा। मैंने पढ़ा वो आइडिया, और पढ़ने के बाद मेरी दोबारा अगले दिन फिर से मीटिंग हुई, मैंने उनको बोला कि मैंने पढ़ लिया है लेकिन आपको मेरा भी सुनना चाहिए। शी सेड आप सुनाइए अपना, और वो आइडिया था ये बधाई हो जो आपने पिक्चर देखी अभी। तो शी सेड आई लव दिस, आई लव द कैरेक्टर्स, हाउ कैरेक्टर्स हैव फॉर्म्ड इन दिस थिंग। इनफैक्ट अक्षत ने अपनी आवाज़ में एक दादी का एक जो पूरा जो रैंट है फिल्म के अंदर, जब वो जीतू अपने बेटे को डांट रही हैं और पूरी जो क्लास ले रही हैं उनकी, वो रिकॉर्ड किया था। तो मैंने वो वाला सीन उनको सुना दिया अक्षत की आवाज़ में, और वो इतना हंसी कि शी सेड ये बेटर है और इसको बनाना चाहिए। तो मैंने बोला देखिए डे वन से जब ये आइडिया लिख रहे थे हम, बहुत ज़्यादा क्लियर थे कि ये मैं प्रोड्यूस करूँगा, मेरी कंपनी है क्रोम पिक्चर्स, मैं इसको प्रोड्यूस करूँगा। तो उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बनाना चाहते हैं हम भी बनाना चाहते हैं, तो जंगली और क्रोम साथ में मिलकर बना लेंगे। तो उस तरह से ये हो गया, और उस स्क्रिप्ट में से हम लोगों ने, यहाँ तक कि अक्षत और शांतनु ने वो स्क्रिप्ट पढ़ी भी नहीं, और वो उस स्क्रिप्ट में से हम लोगों ने कॉमा भी नहीं लिया। सो दैट्स हाउ दैट होल जर्नी यू नो ऑफ क्रोम पिक्चर्स एंड जंगली केम इन टुगेदर, and now the film is out and people are loving it and I'm very very happy about it. सर देखिए आप अगर 70s की अगर दशक में जाएं तब स्क्रिप्ट्स ही हीरो होती थी। अगर आप कोई भी फिल्म याद करें, मतलब आप ऋषिकेश मुखर्जी की कोई भी फिल्म उठा के देख लें, मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ, उनकी सब फिल्मों के अंदर स्क्रिप्ट ही हीरो होती थी, और वही सही तरीका है फिल्म बनाने का। स्क्रिप्ट अगर आपकी अच्छी है तो उसमें कोई भी रोल प्ले करे वो अच्छा ही लगेगा, वो कैरेक्टर कोई भी प्ले करे तो वो अच्छा ही लगेगा। हाँ बिल्कुल अलग नहीं हो सकता,
कि आपको एक बूढ़ा आदमी चाहिए और आपने जवान से करा लिया, वैसा नहीं हो सकता. तो स्क्रिप्ट इज फर्स्ट, वो सीड है जो पेड़ बनता है, उसके बाद में फल लगता है. फल लगना मतलब आपने पिक्चर बना दी और उसके बाद में आपको फल मिल रहा है अब. तो स्क्रिप्ट इज फर्स्ट देन एनीथिंग एल्स. मैं पूरी तरह से सहमत हूँ उनसे कि राइटर्स बहुत अंडररेटेड है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, और उनको उनका पूरा श्रेय, उनको पूरा उनका जो जितनी मेहनत वो डालते हैं उनको वो मिलना चाहिए, उनका क्रेडिट. वो क्रेडिट अगर वो नहीं मिलता तो बहुत गलत बात है, क्योंकि राइटर वो इंसान है जो पूरे के पूरे कैरेक्टर्स को एक स्टोरी के अंदर एक कैरेक्टर क्रिएट कर रहा है. वो क्रिएटर है. तो आप क्रिएटर को अलग नहीं कर सकते. तो राइटर को उसका श्रेय, उसका जो उसने योगदान दिया है, उसका क्रेडिट उसको पूरी तरह से मिलना चाहिए. इन दोनों ने जो काम किया है वो अनबिलीवेबल है. मतलब अक्षत और शांतनु ने अपनी लाइफ डाल दी है इसके अंदर, और मैं चाहूँगा कि मैं इनके साथ में दोबारा काम करूँ, क्योंकि ये मेरे सिर्फ राइटर्स नहीं है, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई जैसे. And we are expecting some good rewards to him. I mean, awards also for this time. Okay. Love. We hope so that we should get something. Thank you. Good. Actually, want to say that also, because writers को सिर्फ सिर्फ नाम की कमी नहीं है उनको, उनको पैसा भी कम मिलता है. उसके बारे में भी सोचना चाहिए हर प्रोड्यूसर को, दैट यू नो दे शुड बी पेड वेल, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर द पीपल हु आर क्रिएटिंग. सो दैट्स द थिंग, दे शुड बी पेड वेल. Thank you, sir. Thank you.